सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। रोहतक बीजेपी वर्करों ने शुरू की खिलाफत। जोगिंदर कथूरिया ने कहा 14 साल की पार्टी की सेवा नहीं मिला फल। पार्टी से नहीं अब आजाद लड़ेंगे चुनाव। रोहतक में भाजपा द्वारा निगम के टिकटों के बंटवारे के बाद अब पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। वार्ड 2 से टिकट की उम्मीद लिए बैठे जोगिंदर कथूरिया ने कहा कि 14 साल पार्टी की सेवा करने के बाद उन्हें इसका फल नहीं मिला, इसलिए अब आजाद चुनाव लड़ा जाएगा। जोगिंदर कथूरिया वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़कर जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करने का इच्छुक था। पार्टी ने गलत उम्मीदवार का चयन कर हमें वार्ड 2 की जनता और मेरे समाज को आहत किया है और वार्ड 2 की जनता आज यहाँ एकत्र हुई और ये फैसला लिया कि हमें सभी के सहयोग और सभी के आशीर्वाद से 36 बिरादरी और मेरी सरदारी मेरी पंचायत के आशीर्वाद से हमें चुनाव मैदान में जरूर आना चाहिए और जनता की सेवा के लिए मैं बिल्कुल चुनाव लड़ने को तैयार हूं और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। इसी सहयोग मिल रहा है मेरे को 36 बिरादरी का और जो 12 कॉलोनियां वार्ड नंबर 2 में आती हैं सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। सभी भाई सभी साथी सभी माताएं बहनें उम्मीद में थी कि पार्टी एक सशक्त उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, पर पार्टी ने 14 साल कार्य करने के बाद ग्राउंड लेवल पर जमीनी स्तर पर काम करने के बाद भी गलत उम्मीदवार का चयन कर हमारी भावनाओं को आहत किया है। चुनाव लड़ जनता की सेवा करना चाहते हैं और चुनाव लड़ेंगे आप सभी के वार्ड नंबर 2 की जनता के सहयोग से फाइट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। भारत माता की